हाय दोस्तों, तो फिर से मिलने आ गया हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। और इस साइकिल को तो आप सभी जानते हैं क्योंकि इसके वीडियोस पर आपने इतना प्यार लुटाया है, पर मैंने इसको एक पहचान वाले को दी थी तो ये पंचर कर दिए या शायद पता नहीं क्या हुआ, हवा निकाल दी है क्या हुआ, ऐसे कैसे साइकिल ला के रख दी उन्होंने, चला के लेके गए थे तब, और पीछे मडगार्ड भी निकाल दिया है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। तो अभी हम इसको जा रहे हैं ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ चलते हैं दुकान पे। और क्या हुआ है, पंचर हुई है या फिर केवल हवा निकली है, तो चलिए चलते हैं। तो ये मड गार्ड उठा लेते हैं और इसको रख देते हैं अभी यहाँ पर, ऐसे यहाँ रख लेते हैं यार, हाथ में पकड़ लूँगा एक हाथ से पर। और अब हम चलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं साइकिल को। तो ये देख सकते हो पूरी तरीके से हवा निकली हुई है इसकी। अब वहाँ जाके पता चलेगा कि अगर ट्यूब ख़राब है या कुछ ज़्यादा पंचर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो गाइज़, हम उस दुकान पे जा रहे हैं जो हमारी कॉलोनी में है, वहीं पे जाके हम साइकिल सुधराएंगे। पहुँच गए अभी हम, तो साइकिल अब रखते हैं अंदर। लो अंकल जी, चेक कर लो क्या हो गया इसको। हवा चेक करोगे पहले? एक ये भी है, इसका ये बोल्ट वगैरह गिरा दिया का, इसको भी कसना है। पंचर नहीं है मतलब? 5 मिनट में मालूम पड़ेगा ऐसा भाई, ये कर दो। तो गाइज़, ये पंचर है साइकिल, हवा निकल गई है इसका मतलब पंचर है। ऑयल डलवा रहा हूँ, फिर जाके दूसरी जगह सुधारे, कि पंचर यहाँ नहीं सुधारते हैं भैया, यहाँ केवल नई साइकिल और रिपेयरिंग का काम करते हैं केवल। बस पंचर पंचर जोड़ने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए यहाँ पे पंचर नहीं जोड़े जाते। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। तो गाइज़, पंचर जोड़ाने के लिए हम आगे चल रहे हैं, अभी मार्केट में जा रहे हैं। ट्यूब गया, डाल दो फिर ट्यूब। कितने का डलेगा? अच्छा, बढ़िया वाला डाल दो। A few moments later. तो ट्यूब डाल दिया अंकल जी ने, अब इसमें हवा भर रहे हैं। तो गाइस, साइकिल सुधरा के घर पे आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, और ये देख रहे हो आप, ट्यूब पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसकी वाल डंडी जो है वो फट गई है। तो ये बहुत ही हल्का ट्यूब था, वो बता रहे थे कि साइकिल में ट्यूब बहुत हल्का डाल रखा था कंपनी ने इसलिए। तो गाइस, ये ट्यूब तो बहुत हल्का था इसीलिए ये फट भी गया आसानी से। और 10 रुपये इसके लिए एक भैया ने, जब वहाँ पे मैं सुधराने के लिए गया था पहली दुकान पर, तो ये बोल्ट डालने के मडगार्ड का 10 रुपये इसके लिए लग गए। और जो ट्यूब है वो दूसरा डाला हुआ, जब भैया ने ये पंचर, ये वाल डंडी के से ज़्यादा बुरी तरीके से फट गया था तो वो दूसरा डाला उन्होंने, तो उसके 120 रुपये लगे। उन्होंने बताया कि 120 रुपये में ट्यूब डल जाएगा, 150 वाला भी था, पर उसकी डंडी जो वाल डंडी होती है वो बड़ी होती है, इस साइकिल के लिए जाती है, तो वो 150 वाला था। उन्होंने कहा कि 120 वाला ही डलवा लो, वो पहचान गए थे तो उन्होंने बोला कि 120 वाला ही डलवा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं आती उसमें भी। तो 120 रुपये वो और 10 रुपये वो, और एक 1.5 घंटे की मेहनत, इतना खर्चा आया इस साइकिल में अभी। तो गाइस, साइकिल अंदर रख दी है मैंने, और ये ट्यूब भी यहीं कहीं रख देता हूँ मैं, ये किसी न किसी चीज़ को काम आ जाएगा, जैसे पाइप बांधना है वगैरह होगा तो पानी का उसमें काम आ जाएगा, क्योंकि ट्यूब तो वैसे बहुत हल्का है, तो हम इसको फाड़ के कहीं पाइप वगैरह बांध देंगे अगर कहीं काम आएगा तो। वैसे बहुत मजबूती से बन जाता है, रबड़ का रहता है ना ये ट्यूब, इसलिए। तो गाइस, बस ये साइकिल ख़राब हो चुकी थी और बहुत बुरी तरीके से इसका ट्यूब फट चुका था, मैंने किसी को दी थी चलाने के लिए। तो ये ही बताना था इस वीडियो में कि क्या ख़राबी आई है, और इसका ट्यूब बहुत हल्का था इसलिए जल्दी फट गया वो ट्यूब वाल डंडी के वहाँ से। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा,
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में आपसे. बाय. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that.